दीनापुर गांव में महेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह अंडे बेचने का काम करता था। महेश बाजार से अंडे खरीदकर उन्हें घर घर जाकर बेचता था। अंडे ले लो, मुर्गी के ताजा अंडे ले लो। अरे अंडे वाले, जरा इधर तो आना भाई। अभी आया बहन जी। यह कहकर महेश उस महिला के पास जाता है। भाई अंडे कैसे दिए? अंडे 60 रुपए दर्जन देता हूँ बहन जी, बताइए कितने अंडे लेने हैं? पहले अंडे तो दिखाइए। उस महिला के यह कहने पर महेश अपने सिर पर रखी टोकरी को जमीन पर रख उसे अंडे दिखाता है। अंडे तो अच्छे हैं भाई, एक दर्जन दे दो। महेश उसे अंडे दे देता है और फिर अंडों की टोकरी सिर पर रख कर आगे चल पड़ता है। मगर वह कुछ ही दूर जाता है कि तभी एक तेज रफ्तार कार से बचने की कोशिश में उसके सिर पर रखी टोकरी सड़क पर जा गिरती है और सारे अंडे टूट कर बिखर जाते हैं। हाय, ये क्या हुआ? मेरे तो सारे अंडे टूट गए, अब मैं और अंडे कहाँ से खरीद कर लाऊंगा? बेटा, जो होना था सो तो हो गया, अब रोने से क्या लाभ? मुझ बूढ़े की बात मान, ये खाली टोकरी उठाकर अपने घर लौट जा। उस बुड्ढे के समझाने पर महेश दुखी मन से अपने घर की तरफ चल पड़ता है और फिर रास्ते में अचानक ही उसकी नजर एक अजीब से पिंजरे पर पड़ती है। लगता तो चूहे पकड़ने के पिंजरे जैसा है, मगर है बहुत अजीब। घर ले चलता हूँ, हो सकता है कि कभी चूहे पकड़ने के काम आ जाए। यह सोचकर महेश उस पिंजरे को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे रजनी यानी अपनी माँ से दिखाते हुए कहता है, अरे माँ, रास्ते में ये चूहे पकड़ने का पिंजरा मिला है, कभी घर में चूहे आ जाएं तो इसका इस्तेमाल कर लेना। अरे कभी क्यों बेटा, इसका इस्तेमाल तो आज रात ही करके देखती हूँ, रात को घर में कई चूहे घूमते हैं। यह कहकर रजनी पिंजरे को रसोई घर में रख देती है और फिर अगली सुबह जैसे ही उसकी नजर पिंजरे पर पड़ती है तो चौंक जाती है। पिंजरे में एक सोने का चूहा पड़ा हुआ आता है। अरे महेश, जल्दी आओ, देख तेरे पिंजरे में क्या है। रजनी की यह बात सुनकर महेश दौड़ते हुए रसोई घर में आता है। सोने का चूहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा, मुझे तो यह पिंजरा कोई जादुई पिंजरा लगता है, इस चूहे को पिंजरे से बाहर निकाल कर तो देख। महेश पिंजरे में हाथ डालकर चूहे को बाहर निकाल लेता है। अम्मा, चूहा तो सोने का ही है, पर समझ में नहीं आता कि इसमें आया कहां से। अरे मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि कहां से आया, कहीं यह पिंजरा चूहों को सोने के चूहों में बदलने वाला पिंजरा तो नहीं। हो सकता है आपकी बात सच ही हो अम्मा, चलो आज की रात इस सच्चाई को छिपकर परखने की कोशिश करते हैं। उस रात महेश और उसकी माँ दोनों रात भर जागते हैं और फिर देखते हैं कि एक चूहा भागता हुआ आता है और उस पिंजरे में घुसकर देखते ही देखते सोने के चूहे में बदल जाता है। यह देखकर वो दोनों माँ बेटा हैरान रह जाते हैं। अम्मा, ये तो सचमुच जादुई पिंजरा है। यह जादुई पिंजरा नहीं बेटा, यह तो हमारी खुश नसीबी के ताले की चाबी है। चाबी, अब तो मैं कभी अंडे नहीं बेचूंगा अम्मा। और मैं भी किसी के खेतों में मजदूरी करने नहीं जाऊंगी बेटा। अगले ही दिन महेश एक सुनार के पास जाता है और सोने को ही 2 चूहे बेचकर बहुत सारा पैसा लेकर घर लौटता है। देखो अम्मा, पहले कभी इतना पैसा देखा है? अरे बेटा, तू तो असली नोट दिखा रहा है, मैंने तो आज से पहले इतने नकली नोट भी कभी न देखे। लेकिन अब रोज ही इतने नोट देखना और खूब खर्च भी करना अम्मा। अब तो बहुत जल्दी बस अमीर बन जाने का सपना है बेटा, बस तू कहीं से भी चूहे ढूंढता रहे ताकि यह पिंजरा उनको सोने में बदल दे।
उस दिन के बाद महेश आसपास के घरों और खेतों में चूहे ढूंढता फिरता और जहां भी उसे चूहे दिखाई देते रात को सबसे छिपकर वही पिंजरा रखाता। फिर सुबह मुंह अंधेरे जाग जाता और पिंजरा उठा लाता। इस तरह कुछ ही दिनों में महेश बहुत अमीर आदमी बन जाता है और महल जैसे घर में रहने लगता है। अब तो हमारे पास पैसा, गाड़ी और रहने के लिए महल जैसा घर है और सेवा करने के लिए नौकर चाकर सब है। साथ ही बड़े बड़े अमीर हमारे सामने सलाम ठोकते हैं। पर मेरी एक इच्छा अभी भी अधूरी है बेटा, यह कहकर रजनी कुछ उदास हो जाती है। तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है अम्मा जो अभी भी अधूरी रह गई है? मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ, बस तू हाँ कर दे बेटा। पर पहले उसके लिए कोई लड़की तो ढूंढनी ही पड़ेगी ना अम्मा। मैं तेरी शादी अपनी सहेली बिमला की लड़की से करना चाहती हूँ, बहुत सुंदर लड़की है उसकी। बिमला की लड़की की बात सुनते ही महेश को गुस्सा आ जाता है और वह, पागल हो गई हो क्या? मैं राजा होकर उस गरीब लड़की से शादी करूंगा? मेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? कल तक हम उनसे भी गरीब थे बेटा, फिर आज पैसे का इतना घमंड क्यों? पैसा है तो उसका घमंड होना भी जरूरी है माँ। मैं तो किसी धनी राजकुमारी से ही शादी करूंगा, समझी? महेश की ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर रजनी को बहुत दुख होता है और फिर महेश के पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है उसका घमंड भी बढ़ता जाता है। बाबूजी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मुझे भी दे दो, भगवान आपका भला करेगा। मेरे पास आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, गरीब कहीं की? चल भाग, दूर हो जा मेरी नजरों से। तू तो बड़ा निर्दयी आदमी है रे, तुझे तो अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। भगवान से डर बेटा, वह बड़े बड़ों को धूल में मिला देता है। फिर इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बीच भी महेश अपनी निर्दयता और मूर्खता कई लोगों पर दिखाता है। उसका यह रवैया देखकर उसकी माँ हमेशा चिंता में पड़ी रहती है। बेटा महेश, अब भी समझ जा, बुरे लोग हमेशा बुरी मौत मरते हैं, इसलिए संभल जा और लोगों पर अपनी निर्दयता दिखाने की बजाय उनसे प्यार किया कर, उनकी मदद किया कर। अगर ना करूंगा तो क्या होगा? क्या भगवान मुझे मार डालेगा? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, मैं तेरे बारे में ये सब नहीं कह सकती। कुछ दिन बाद एक रात महेश पिंजरा लेकर खेतों में जाता है और चूहों को फांसने के लिए वहाँ एक गुप्त जगह पर पिंजरा लगाकर उसे घास से ढक आता है। फिर सुबह मुंह अंधेरे पिंजरा लेने जाता है तो हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये क्या, इस बार तो चूहे सोने के बजाय चांदी में बदल गए। यह कहते हुए महेश पिंजरे में हाथ डालकर उन चूहों को बाहर निकालने लगता है, मगर उसका हाथ जैसे ही चूहों को छूता है वो दोनों चूहे काले नागों में बदल जाते हैं और महेश को काट लेते हैं। अरे ये क्या हुआ, कोई बचाओ मुझे, मुझे इन सांपों ने डस लिया है और मैं मर रहा हूँ। महेश इस तरह तड़प ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक श्वेत वस्त्रधारी महात्मा आ जाता है। आप कौन है? मैं इस जादुई चूहे दानी यानी सोने के चूहे देने वाले इस पिंजरे का मालिक हूँ। मैं मर रहा हूँ, भगवान के लिए मेरी जान बचाइए। ये सब तो तुम्हारे घमंड, निर्दयता और मूर्खता का फल है बेटा। ये जादुई पिंजरा तुमसे नाराज हो गया है। मगर क्यों? क्योंकि इसने तुमको पैसा दिया और तुमने उस पैसे से लोगों की मदद करने के बजाय उल्टे उन पर अत्याचार किए। यह सुनकर महेश अपनी करनी पर रोने पछताने लगता है और महात्मा जी से माफी मांगता है। महात्मा जी को उस पर दया आ जाती है और वह अपनी मंत्र शक्ति से उसकी जान बचा लेता है। फिर महेश उसका धन्यवाद कर खाली हाथ अपने घर लौट आता है और हमेशा के लिए पैसे का घमंड छोड़कर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है।